ठीक है, आज आज क्या करना है, जो हम लोग जो एक्सपात निकाला था, राइट, तो एक्सपात कैसे निकालना है आज हमें वो देखना है। इसलिए तो इंटर में क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन क्या पूछेंगे, व्हाट इज एक्सपात? एक्सपात यानी क्या होता है? एक्सएमएल पाथ होता है। क्या होता है? एक्सएमएल पाथ होता है। इसके टू टाइप्स है, इट हैज टू टाइप। एक है सुलूट एक्सपात है, दूसरा है रिलेटिव एक्सपात। ठीक है, अबे एब्सोल्यूट एक्सपात क्या होता है देखते हैं। इंटर में क्वेश्चन पूछते हैं पहले, लिखते हैं डिफरेंस बिटवीन एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव ठीक है। एब्सोल्यूट माने क्या, मतलब क्या होता है? इट स्टार्ट फ्रॉम सिंगल नोड, ओके। दूसरा होता है इट इज फ्रॉम पैरेंट नोड टू पैरेंट नोड टू दैट नोड। इट इज क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड। वी रेयरली यूज दिस पाथ। ओके, इसके बाद रिलेटिव एक्सपाथ होता है। मैं पहले पॉइंट लिखता हूं तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। जो रिलेटिव एक्सपाथ होता है स्टार्ट्स फ्रॉम स्टार्ट विद डबल कोट डबल स्लैश, सिंगल स्लैश, इसे ब्रैकेट ऐसे लेते हैं सिंगल स्लैश स्टार्ट विद डबल स्लैश। It is from a reference node to that node. Okay, it is easy than absolute. We mostly use रिलेटिव, ठीक है, ये वाला होता है। अभी हम लोग देखते हैं ये क्या सीन है। मैं पहले आपको एब्सोल्यूट एक्सपाथ क्या होता है देखिए। अभी एब्सोल्यूट एक्सपाथ कैसे देख सकते हैं हम लोग, मान लीजिएगा, एक मिनट मुझे राइटिंग पर दिखने दीजिए। ठीक है, अभी एब्सोल्यूट एक्सपाथ मतलब कैसे होता है? अभी सिंपल सा, मेरा जो क्लास है मास्टर्स क्लास जो है वो है कहाँ पे है, सांगवी, न्यू सांगवी में, न्यू सांगवी पुणे मेरा क्लास वहां पे, यहाँ पे मास्टर्स क्लास, ठीक है, न्यू सांगवी पुणे में। अभी मुझे किसी को एड्रेस बताना है तो मैं क्या बताऊंगा, तो कैसे करोगे आप? मैं पहले लैंडमार्क बताऊंगा, भाई लैंडमार्क क्या है, ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, कोई मुझे बताएगा क्या? लैंडमार्क क्यों इम्पोर्टेंट होता है? यहाँ से आप उसे इजीली ढूंढ सकते हो मेरे एड्रेस को, समझ में आ रहा है? इसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं, समझ में आ? तो आप यहाँ पे आ जाइए, फिर यहाँ पे आ जाइए,
तो मेरा मेरा मेरे केस में मेरा लैंडमार्क क्या है, फेमस चौक है, नियर टू साई चौक, साई चौक फेमस चौक, तो ये लैंडमार्क हुआ। तो अभी किसी को आना है तो वो कहाँ से, उसके घर से नहीं दिखेगा, पहले यहाँ पे आ जाएगा, मतलब तो ये रेफरेंस पॉइंट पे आ जाएगा, वहां से मेरा घर ढूंढना चालू करे, तो उसके लिए इजी रहेगा कि नहीं, बराबर है। अगर मैं एब्सोल्यूट एक्सपात करता हूँ तो उसे स्टार्टिंग कहाँ से हुआ है, उसके घर से, मतलब अपना जो एचटीएमएल पेज होता है वहां से लेके आप जहां तक जाओगे उस वहां तक, तो इतना बड़ा रूट है ना ये वाला जो गूगल में मैप में दिखाता है, हम उसे बोल सकते हैं एब्सोल्यूट एक्सपर्ट। एब्सोल्यूट एक्सपर्ट होता कैसे मैं बताता हूँ, ठीक है, एब्सोल्यूट एक्सपर्ट होता कैसे बताता हूँ। अभी मान लीजिए मुझे वो वाला साइट चाहिए होता है, मुझे ये जो फर्स्ट नेम से एक्सपर्ट लेना है, तो आपको क्या राइट क्लिक करना है, इंस्पेक्ट करना है, ठीक, ये वाला हुआ कि नहीं, इसको राइट क्लिक कीजिए वापस से, यहाँ पे देख रहे कॉपी एज फुल एक्सपर्ट दिख रहा है आपको, इसकी कॉपी कीजिए। अगर मैं इसको कॉपी करता हूं तो आप देखिएगा इसका पाथ कितना बड़ा होता है, कहां से स्टार्ट हुआ देखा, इतने बड़ा पाथ है, बराबर है, एचटीएमएल बॉडी ड्यू, ये आपके घर से हुआ, मतलब पैरेंट नोड क्या होता है, एचटीएमएल होता है, अगर आप देखोगे ना यहाँ पे भी वही हाल है, आपका जो पेज का स्टार्टिंग क्या यहाँ पे है, देखिए स्टार्टिंग नोड क्या है, एचटीएमएल है, उसके बाद ये बॉडी आया, उसके बाद ये ड्यू आया, उसके बाद ये टेबल आया, उसी बेस से उसने दे दिया। बहुत बड़ा दिख रहा है आपको, यस सर, यस सर, देखिए इसका कैरेक्टर कितना था वहां पे भी देख सकते हैं हम एंड में, इसकी लेंथ कितनी है, अगर देखो ना उसकी लेंथ है 137 लेंथ है, इतना बड़ा है वो, दिख रहा है आपको कॉलम 137, लेकिन मुझे फर्स्ट नेम का निकालना है, तो रिलेटिव एक्सपर्ट कैसे होता है, छोटा सा पैटर्न होता है, इसका एक सिंटैक्स है, मैं बताऊंगा आपको सिंटैक्स, एट द रेट होता है, और यहाँ पे जो जिसका भी आपको एक्सपर्ट निकालना है, एक्सपर्ट क्या नेम, फर्स्ट नेम इक्वल टू सिंगल कोट में फर्स्ट नेम। नाउ टेल मी कितने में लाइन में खत्म हुआ ये बताइए, 27 में खत्म हुआ, और ये कितने में खत्म हुआ, 137, देखिए कितना ये वाला छोटा है, समझ में, और समझ में भी आता है इमीडिएटली, अरे इसको कहना क्या चाहता है बेसिकली, इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए, यस सर, राइट, तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे और एक दो पॉइंट ऐड कर सकते हैं, इट इज क्वाइट इजी और शॉर्ट, एब्सोल्यूट एक्सपर्ट जो होता है इट इज क्वाइट बिगर देन रिलेटिव एक्सपर्ट, it is quite smaller, बराबर है। दूसरा पॉइंट का एब्सोल्यूट क्या है, डिफिकल्ट टू रीड एक्सपर्ट वॉट इट मीन्स टू टेल, बराबर ना, वॉट इट मीन्स टू सजेस्ट, बराबर है, यहाँ पे सिस्टम यहाँ पे रहता है, इजी टू रीड व्हाट इट मींस, बराबर है, इसका एग्जांपल मैं देता हूँ, देखिए वाला अभी जो मैंने दिया था वो एग्जांपल है, देखिए ये वाला एक्सपर्ट वही पे हम लोग डालते हैं, सर वो पांचवा पॉइंट है ना रिलेटिव का, हाँ देन एब्सोल्यूट एक्सपर्ट चाहिए, सॉरी माय मिस्टेक, ओके, ठीक है, और यहाँ पे ये वाला देखते हैं, विच बेटर कौन सा है, रिलेटिव एक्स वैल्यूज होता है, कोई भी कंपनी जाओ रिलेटिव एक्स पार्ट यूज करते हैं, ठीक है, अभी इसका सिंटैक्स क्या है पहले बता दो,
सर आप टाइम में एब्सोल्यूट पार्ट नहीं करते हम लोग, मैंने तो कभी यूज ही नहीं किया सर, एक बार रिलेटिव पार्ट का साथ कहना तो सकते हैं। इसका सिंटैक्स कैसे बताता, इसका पहले टैग नेम लिखते हैं, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट देते हैं, यहाँ पे क्या होता है प्रॉपर्टी नेम होता है इक्वल टू सिंगल कोट में क्या होता है वैल्यू होता है, ये पैटर्न है। टैग नेम मतलब कैसे होता है, जिसकी शुरुआत लेस देन ऐसा होता है ना, इनकी जैसे इनपुट रहा, जैसे ये ड्यू रहा, जैसे ये एचटीएमएल रहा, ऐसे वाले होते हैं। अगर आप देखोगे ना वही है, जिसके शुरुआत देखिए इसका टैग नेम क्या दिख रहा है आपको, टेबल है, इसका क्या दिख रहा है आपको टीआर, इसका टीडी, पहले वो देखना है जो इस कलर में देखे, देखो वो आपका टैग नेम होता है, राइट। अभी देखते हैं फर्स्ट नेम का निकालते हैं वाला, मुझे इसका निकालना है। और टेल मी इसमें टैग नेम क्या है, इनपुट इनपुट इनपुट, इसीलिए मैंने क्या किया इसका टैग नेम इनपुट लिया। देखे डबल स्लैश दिया, इसका मतलब रिलेटिव है, इनपुट हुआ, ए स्क्वायर ब्रैकेट डाला। अभी इसका प्रॉपर्टी नेम, इसके पास कितनी प्रॉपर्टी, देखिए एक है मैक्स लेंथ है, नेम है और साइज, तीन प्रॉपर्टी है, इसमें से आप कितना भी उठा सकते हैं। अभी आप ही बताओ इसमें एक से भी काम बनेगा मेरा, yes. जो भी प्रॉपर्टी का नाम है उसको एड्रेस लिखिए, नेम लिखिए इक्वल टू सिंगल कोट में पेस्ट कीजिए। जैसे ये करोगे, कॉपी किया मैंने यहाँ पे, तो याद रखिए यहाँ पे क्या करना आपको, आपको कीबोर्ड से कंट्रोल एफ बटन दबाना है, क्या दबाना है कंट्रोल एफ, तो यहाँ पे फाइन दिख रहा है आपको, ऐसे फाइन वाला ही कहा जाता है। मैं आपको फिर से दिखाता हूँ, मैंने क्या किया कीबोर्ड से कंट्रोल एफ प्रेस किया, तो यहाँ पे आता है जो अभी हम लोगों ने फॉर्मूला बनाया ना, बस यहाँ पे पेस्ट कीजिए, आना चाहिए यहाँ पे वन अपॉन आना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर ये वन अपॉन नहीं है तो प्रॉब्लमेटिक है, तो आपको कोई और एक वे निकालना है जिसके बेसिस पे यू कैन फाइंड इट आउट, ठीक है। किसी का भी डाउट है क्या, किस केस में बताइए सर, एचटीएमएल कोड में हैविंग इट आउट, सॉरी हा जो एचटीएमएल दिसतोय आपल्याला खालचा या फॉर्म साठीचा, तर आपण जी लाइन घेतली आता इनपुट मॅक्स लेंथ इज इक्वल टू 60, तर आता ते जे इनपुट देतोय आपण तिथे स्टार्टिंग आणि एंड इनपुट आणि बॅकस्लॅश इनपुट असं असतं ना, तर हे फक्त इनपुट मध्ये एंटर केले बघा ना, इनपुट आहे त्याच्या आतमध्ये प्रॉपर्टी आहे, हो हो हो, मग तसं कारण टीडी आयकन दोन वे आहे, तो असा एक एक असा असतो इनपुट असतो आणि ह्याच्या आत मध्ये प्रॉपर्टी दिलेलं, दिस इज असो वे, किंवा दुसरा एक वे काय असतो, असा असतो इनपुट असतो, येस, इथं त्याची प्रॉपर्टी असते, इथं जे पण काय असते आणि ह्याला क्लोजिंग ब्रॅकेट असतो, हे दोन ऑप्शन आहेत, सो दे बोथ आर ओके, बोथ आर ओके, दोन्ही सेम आहेत, ओके थँक्यू, ठीक आहे। अजून कोणाला डाऊट आहे का त्या केस मध्ये सर, प्लीज रिपीट करा, हे पण घेऊ शकतो ना साईज किंवा मॅक्स लेंथ, बरं तुम्हाला मी मॅक्स लेंथच्या बेसवर करायचं तुमची इच्छा, हा ते पण दाखवून, बरं काय होतं माहितीये का, मॅक्स लेंथच्या बेसवर मी केलं ना काय इश्यू होतो तुम्हाला सांगतो, मॅक्स लेंथ दुसऱ्याचं पण असू शकतं ना सर सेम, राईट, आपल्या युनिक काढायचं आणि तुम्ही विचार करा मॅक्स लेंथ ही काय प्रॉपर्टी का, म्हणजे युनिक प्रॉपर्टी नाहीये सर, ते युनिक प्रॉपर्टी नाही, क्वेश्चन तो नाही वाचून कळतो ह्याची काय घ्यायची करत, उद्या मी साईज चेंज करू शकतो, राईट, मग प्रॉब्लेमॅटिक होईल, बघा इथे बघितलं का, इथे दिसते वन ऑफ सेवन आहे, मग चुकीच आहे, वन ऑफ वन पाहिजे, बघा ह्याला मी क्लिक केलं ना, बघा एवढे दिसत आहे मला, चालणार आहे मला, हा पॉलिमॅटिक आहे पण सर नेमची पण जास्त असले असेल साहेब, पण नेम हा युनिक आहे ना, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, राईट ना, इथे व्हॅल्यू बघा ना सगळ्यांची सेम आहे ना, वेगळी वेगळी आहे ना, बरोबर, आयडी असेल तर आयडी पण युज करू शकतो आपण, राईट, तुमचा कॉल आहे तुम्हाला काय पाहिजे साहेब, तो मला एखाद्या इलेमेंट मध्ये काय व्हॅल्यू भरायची आहे किंवा त्याच्यावरती काय ते क्लिक करायचं, तुम्ही कसं करणार विथ हेल्प ऑफ लोकेटर, ते आठ लोकेटर तुम्हाला जे दिलं ते, त्यातला हा एक पार्ट आहे एक्स पार्ट म्हणून, म्हटलं का तुम्हाला हे, आपण जो इथे टाकलं नाही बाय डॉट एक्स पाच इथे टाकलं नाही व्हॅल्यू, आता मी तुम्हाला केस चेंज करून दाखवणार आहे, आता बाय डॉट एक्स पाच लिहितो इथे बघा, नेमनी पण केलं मी काल तुम्हाला करून दाखवलं, आज मी बाय डॉट एक्स पाच नी करून दाखवतो आणि तो इथे पेस्ट करतो, ओके सर।
पीडी प्रॉपर्टी होते ना हे वाली बघा वन अपॉन आली त्याच्यानंतर आपण काय करूया लास्ट टाइमचं बघा इथे एक्स पाथ टाकला आता बाय डॉट एक्स पाथ करू दुसरा लोकेटर ने ट्राय करतो आपण लास्ट टाइम साठी ट्राय करतो नाव लेट्स डू फॉर ला क्लिक केलं इथे चेक केलं ह्याच्या पण तीन प्रॉपर्टी आहे तुम्ही बघून सांगते चांगली कुठली आहे सॉरी मी तीन घेतली लास्ट टाइमचं बघतोय बघा मॅक्स लेंथ आहे लास्ट टाइम एंड 620 मला हे बरं वाटतंय व्हॉट आय विल डू आय विल चेंज इट इट आलं का वन अपॉन आलं म्हणजे तुम्हाला देव पावलं ठीक आहे हे बहुत इम्पॉर्टंट आहे सर जर आपल्याला लिंकचं काढायचं असेल तर लिंकचं पण असं लिंकचं काय येईल तुम्ही सांगा लिंकचं काय असतो नेहमी अँकर टॅग असतो मला आवाज ऐकला येत नाही कुठून ठीक आहे मी परत एकदा रिपीट करतो ठीक है बोला मेरे सगा म्यूट के लिए ठीक है अभी ये इसका क्या है जैसे हम लोगों ने मैथ्स में कभी तक पढ़ा था ना जैसे आपको पता होगा शायद से ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है आप क्या करते हैं जैसे वैसी वैल्यू आती है हम उसमें डाल देते राइट तो सेम लॉजिक जैसे कि मान लीजिए मुझे क्वेश्चन एक फॉर्मूला है ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी दिस इज अ सिंटैक्स बरा अगर मैंने कोई क्वेश्चन दिया 2x plus 3y वाला इनका स्क्वायर करना आप ऐसे करो ना 4x स्क्वायर करोगे फिर 9y स्क्वायर करोगे 6 12xy करोगे आपने उसको क्या किया उस फॉर्मूले में डाल दिया और वैल्यू निकाल दी तो सिंटैक्स भी वही लॉजिक होता है आपको ये फॉर्मूला आपका अगर आपको किसी का x पाथ ढूंढना है तो आपको ये फॉर्मूला आपको यूज करना ठीक है समझ में आया अभी ठीक अभी किसी डाउट के बताए मुझे हेलो सर ठीक है ये फॉर्मूला ये आपको रट्टा ही मानना पड़ेगा इसके लिए सॉल्यूशन नहीं है मेरे पास एक इसका एक छोटा सा फोटो है आई विल शेयर विद यू तो इसके कुछ पैटर्न्स हैं वो हमें देखना तो पहले मैं क्या करता हूँ आपके लिए इतने जो भी है सबके दिखा देता हूँ क्योंकि आपके लिए इम्पोर्टेंट है फर्स्ट नेम का हुआ लास्ट नेम का हुआ अभी ये फोन का कर रहा हूँ मैं भी एक्स पाथ है इसलिए मैंने यहाँ पे एक्स पाथ लिखा यहाँ पे एड्रेस लिखना है इसलिए एड्रेस का लिखते हैं एड्रेस का देखिए इसका एड्रेस का एड्रेस वन है तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ आपको देखना है वन अपॉन आया हाँ आ गया किधर समझता है सर वन अपॉन आया जी कर दो मिनट भाई जी यहाँ पे दिख रहा आपको वन अपॉन कोने में yes, sir. दिख रहा नहीं ये आना इम्पोर्टेंट है ये आ गए मतलब आपका काम हुआ है मुझे ते कलर का सर ते येलो कलर का सॉरी ते कलर का येलो येते ते येलो कलर पण आला पाहिजे इथे दिसते कोपरा खाली इथे दिसते खाली टास्क बार शेजारी वन अपॉन उजव्या बाजूला कर्सर बघा ना मॅडम इथे उजव्या बाजूला खाली बघा कर्सर बघा ना यस यस सर ते कंट्रोल लेफ्ट नी या लाइन जंप केलं का ही लाइन कंट्रोल लेफ्ट नी आहे कंट्रोल लेफ्ट काय सांगितलं कंट्रोल लेफ्ट नी आहे सर कुठली सर ही रे हजार मध्ये टाइप करतो ना ही वाली अच्छा ठीक आहे आता बघ कंट्रोल लेफ्ट केलं खाली एक लाइन वाढली का बघ वाढली का लाइन ही वाली यस सर यस सर ठीक आहे ऍड्रेस हुआ अभी सिटी करते हैं इसका नाम सिटी है पर स्टेट करना है हमें एड्रेस नेम किया कॉपी किया देखिए वन अपॉन आ गया
ठीक है, अभी हम इसको डिबग करते हैं। देखिए उसमें वैल्यू आ गई, भरा, अभी वो लास्ट नेम में भरेगा, हो गया लास्ट नेम में वैल्यू भरे। उसके बाद क्या कर रहा है वो, फोन पे भर रहा है। ठीक है, सब लग रही हो अभी इस पॉइंट पे, समझ में आया सबको? किसी को भी डाउट है कि इस केस में बताइए मुझे। हेलो, नो सर। ठीक है, अभी एक्सपाथ के उतने ही नहीं और भी फॉर्मूलेस है, ओके, कि जो मैं शेयर करता हूं आपको। एक दो फॉर्मूला निकालने का मैं आपको एक दो फॉर्मूला बताता हूं सर। दो मिनट सर जी, मैं आपको एक दो फॉर्मूला बताता हूं। ठीक है, ये फॉर्मूले की लिस्ट है। ठीक है, ये 25-2 में आ रहा है, अरे क्या हो इसको। ठीक है, मैं आपको ये भेजता है। ठीक है, यहाँ पे भी आ गए। अभी यहाँ पे अगर देखोगे ना, इसका नाम दिया, अभी प्रॉपरली देखिए क्या लिखा है। अभी हम लोगों ने ये लिखा था, डबल स्लैश टैग नेम एट्रीब्यूट नेम का एट्रीब्यूट, इससे आपके सारे काम हो जाएंगे। ठीक है, किसी को भी डाउट है इस केस में? हेलो, नो सर। ठीक है, मैं अभी कुछ कुछ चीजें और एक्स्ट्रा दिखा देता हूं आपको। जैसे अभी मैंने बस आपको मोस्टली इसका ही दिखाया, एडिट बॉक्स इसका ही दिया। अभी मैं क्या करता हूं आपको, मेरे पास और एक साइट है, इसका भी देख सकते हैं हम लोग, रेडियो बटन का। अगर आप रेडियो बटन देखते हो, उसका जो एक्सपाथ होता है उसका भी हम लोग क्लिक करते हैं, वो भी इनपुट ही होता है। देखिए, तो यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे देखिए इनपुट आ गया, दिख रहा है आपको इनपुट। तो इसका कैसे करो बताइए, इनपुट है मेरी प्रॉपर्टी, तो टैग नेम इनपुट है। इसके बाद देखिए तीन प्रॉपर्टीज, ये टाइप वाला भी है, आईडी भी है, नेम भी है, क्लास भी, चार प्रॉपर्टी। नाउ टेल मी, आप कौन सा लेना चाहते हो? आईडी बेटर, देख के पता चलता है, हाँ ये वाला बेटर है। यहाँ पे आईडी लिखिए और यहाँ पे नेम लिखिए, काम बन जाएगा, होगा? बाइजिंग क्लास सेम रहेगा ना सर? सर जी, क्लास से करोगे, शायद क्लास से ऐसा हो सकता है कि आपको और कोई प्रॉब्लम मिलेगी, देखना है क्या? यस सर। ऐसा हो सकता है कि आपको शायद उसके और दो तीन प्रॉपर्ट मिल जाएंगे, दो तीन ऑब्जेक्ट मिलेगा। इसको क्या मिला दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है आपको, कितने दिख रहे हैं? वन ऑफ टू, दो, दो दिख रहे हैं, मतलब दो दिखे ना, दिख रहा है राइट, तो दिख, ये भी है और ये भी। अभी ये तो मशीन है, मशीन को अगर दो ऑप्शन दोगे वो कर पाएगा क्या? नहीं, आपको यूनिक ऑप्शन देना है। ठीक है, आप ये वाला साइड भी देख सकते हो, इसमें आपको बहुत सारी चीजें करने को मिलेगी, थोड़े बहुत चीजें आप प्रैक्टिस करने के लिए, एक्सपाथ निकालना, कैसे निकालना ना, एक चेक बॉक्स के लिए, रेडियो के लिए, आप ढूंढो बस उसको। इसमें बहुत सारे पेजेस हैं, ये दो तीन पेजेस तो है आराम से, उन सबके करना है। ठीक है, जैसे चेक बॉक्स भर रहा, तो यहाँ पे भी चेक बॉक्स का भी वही लॉजिक है सर। दूसरे प्रॉपर्टी सेम रहे, मैक्सिमम कौन बोलते साहब ना, टू अप टू वगैरह ने कहा, यूनिक प्रॉपर्टी पाई जाता है। ठीक है, अभी किसी डाउट है बताएं मुझे सर? तो एनेबल डिसेबल सेटिंग कैसे करना? कुठले एनेबल डिसेबल? म्हणजे टेक्स्ट बॉक्स क्लिकेबल क्लिक होते का त्याच्यामध्ये किंवा ते पण कसं करणार? थोडं त्याला बघा, थोडं ओके सर, ते काय होते बाकीच्या नंबर ते कन्फ्युज होतं ना, कळत नाही कसं बघा। तर हा वाला भाग बघतो ना, तर हा पण एक चेकबॉक्स असते बघा,
दिसते सगळ्यांना. नाव टेल मी हा चेकबॉक्स हा हे काय काय येईल सांगा. हा चेकबॉक्स टॅग नेम काय क्लास एस व्ही जी काय चेक करा ना काय एस व्ही जी एस व्ही जी एस व्ही जी ह्याची कोणती प्रॉपर्टी घ्यायची आहे तुम्हाला कोणती प्रॉपर्टी चांगली वाटते बघा हिच करंट कलर किंवा डेस्कटॉपवर काय करणार. ओके बघू ह्यात दुसरी कुठली मला वाटत नाही आपण ही वर ट्राय करू बघू. ऍड्रेस स्ट्रोक एस टी आर ओ के ई एस टी आर ओ के ई नाही बघा ह्यानी पण नाही झालं. ऍट द रेट इक्वल टू क्यू का नाही मिळाल ऍट द रेट फिल कर माझं कनेक्शन दाखवतो होल्ड करा मी चेंज करून तुमची एक मिनिट होल्ड करा. देखिए ये वाला भी देख सकते हो आप इसके अंदर भी और सारे हैं. देखिए ये वाला इससे ये वाला मिल जाएगा आपको. ठीक है ये वाले से हम कर सकते हैं. अभी मुझे आपको दो तीन प्रॉपर्टी और बताना है उसका जो नाम है ये तो हुआ और एक प्रॉपर्टी फेमस है मैं लिंक का आपको दिखाता हूँ क्योंकि लिंक के ऊपर हम लोग थोड़ा काम करते हैं बेटर रहेगा मुझे. हाँ वेलकम मर्क्यूरी मान लीजिए मुझे ये रजिस्टर नाम का लिंक है मुझे इसके ऊपर क्लिक करवाना है तो आपको दिख रहा है ये वाला पेज ये वाला साइट दिख रहा है. नाउ टेल मी इसका टैग नेम क्या है. ए एच आर ए एच आर ई नहीं टैग नेम टैग नेम ए ए मैंने यहाँ पे ए लिखा. इसी कौन सी भाई एक है एच आर ई पे स्टाइल है और इसका नाम भी है बराबर है. हमारे पास तीन प्रॉपर्टी नाउ टेल मी हम लोग कौन सा यूज करें एच आर ई देख सकते है? इसके बाद इसकी वैल्यू क्या है बताइए. ठीक है देखिए रजिस्टर लेकिन इसका पंगा है यहाँ पे दो लिंक है ऐसे देखिए इसके दो लिंक दिख रहा है आपको बराबर दो ऑब्जेक्ट मिल रहे हैं तो पॉसिबल है क्या मुझे लिंक करने के लिए. देखिए यहाँ पे भी कहीं पे तो रिजर्वेशन देखिए यहाँ पे भी रजिस्टर नाम का कुछ तो है इसीलिए प्रॉब्लमेटिक है. अभी हो सकता है क्या नहीं तो यहाँ पे जैसे हम लोगों ने एरे पढ़ा था एरे में क्या होता है इंडेक्सिंग होता है राइट 0 1 2 3 राइट. यहाँ पे भी वैसे ही होता है. यहाँ पे क्या करना फिर ऐसे केस में राउंड ब्रैकेट कीजिए पूरे एक्स पार्ट को और इसको क्या कीजिए फिर इसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट दीजिए 1 लिखा दिखाया 1/1 और इसको और कीजिए. देखिये ये वाला रजिस्टर क्लिक किया बराबर है मुझे सेकंड भी मिला था इसकी जगह मैं 2 लिख देता हूँ तो देखिए ये नीचे वाला रजिस्टर पे आ रहा है बराबर है. That is also way. ये कब करना है जब आपके पास मल्टीपल ऑब्जेक्ट हो तब आप एरे यूज करके ये भी कर सकते हो. किसी को अभी डाउट है क्या इस केस में बताइए. सर एक बात बताइए ना सर एक बार अभी जो किया है सर आपने. ठीक है सेकंड वाला यहाँ पे देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे मुझे आपको ये तो समझ में यहाँ पे मैंने क्या किया मुझे ऐसा पता चला कि यहाँ पे ऐसे दो है बन 1/2 दिख रहा है आपको तो मैंने क्या किया अपने एरे में कैसे करते हैं इसको राउंड ब्रैकेट डालिए ये उसका फॉर्मूला है. जब भी कभी आपको एक से ज्यादा दो हो तो यहाँ पे 1 लिखा तो फर्स्ट वाला इंडिकेट करेगा दिख रहा है यहाँ दिख रहा है यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे यहाँ पे दिख रहा है. देखिए ओवर करूंगा तो जैसे इसमें 2 लिखता हूँ तो नीचे वाला आ जाता है देखिए आ गया ना नीचे वाला. यस सर That is also way. आप ये वाला भी कर सकते हैं. इसे क्या बोलते हैं? इंडेक्सिंग क्या बोलते हैं इसे? इंडेक्सिंग बोलते हैं. ठीक है? सर वन लिया तो भी चलेगा ना उधर. अभी आपको किसके ऊपर क्लिक करना है सर जी उसके ऊपर खेले ना पूरा बरन अगर आपके रिक्वायरमेंट पे पूरा डिपेंड होगा ना आपको किसके ऊपर क्लिक करना राइट. ओके
ठीक है, किसी को भी डाउट है के बताइए। नो सर। अभी यहाँ ओके, अभी इसके बाद और एक प्रॉपर्टी यहाँ पे जो पढ़ना है प्रॉपर्टी का ना वो है कंटेंट टेक्स्ट है। ये जो टेक्स्ट जो है ना इट इज अ फंक्शन, इसे वो रैम बैक करता है। तो रजिस्टर के हम लोग ऐसा ही कर सकते हैं, ट्राई करते हैं। अभी इसका जो नाम क्या है, रजिस्टर नाम है, तो अभी विल ट्राई। तो रजिस्टर इज अ फंक्शन ना, इसके लिए इस पे यहाँ पे एड्रेस साइन नहीं रहता, थोड़ा सा याद रखिए, यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, स्पेलिंग देखिए कैपिटल में सारा रजिस्टर, ये भी निकाल देता हूँ, देखिए क्या होता है, दिख रहा है कंटेंट वाला। तो टेक्स्ट लिखा, इस लिंक का क्या नाम है, रजिस्टर है, तो इसे रजिस्टर किया। ए, दो मिनट रुको क्या, मैं मेरा बेटा बहुत रो रहा है, दो मिनट रुके जस्ट होल्ड ऑन। आप लोग तो पर तब तक डिस्कस, ठीक है, यहाँ तक किसी का डाउट है क्या बताइए। तो हम लोग ऐसे बहुत सारे निकाल सकते हैं, जैसे मान लो मुझे सपोर्ट का चाहिए, सॉरी इधर लिए ना, क्यों लिए? देखिए ना, आपको एक्सपाथ निकालने एन नंबर ऑफ वेज है, तो आपको चूज करना क्या लेना, राइट? मतलब जैसे कि आप अगर मेडिकल में जाते हो तो मेडिकल में दवाई लेते हो, राइट? तो वहां पे दो तीन कंपनी के ये होता है, दवाई होती है, लेकिन सेम कंटेंट होता है, राइट? तो आप कौन से भी यू ले सकते हो, राइट? सेम लॉजिक यहाँ पे, आपको एक्सपाथ निकालने दो तीन वेज है, नो आपका कॉल है कि आपको कौन सा चाहिए। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए AHRA पे इसका नाम सपोर्ट से भी कर सकते हो, देखिए ये वाला भी वे है, यू कैन यूज सब ऐसा, राइट? किसी को भी डाउट है इस केस में? तो याद रखिए कि टेक्स्ट इज अ फंक्शन, इसलिए यहाँ पे एड्रेस नहीं लिखा। त्याची टेक्स्ट प्रॉपर्टी कशी आयडेंटिफाई झाली सर? काय नाही, इथं नाव काय असतं ते बघायचं। सपोर्ट म्हणजे ज्याला ज्याच्या पुढे प्रॉपर्टी डिक्लेअर केलेली नाहीये, जसे एच रेफरन्स वगैरे आहे, सो इन दॅट केस वी कॅन यूज टेक्स्ट। टेक्स्ट एक्झॅक्टली, तुम्ही कुठले पण करू शकता या केस मध्ये पण। बघा आता मी ह्याला कॉन्टॅक्ट करायला गेलो की इथं ओव्हर केलं, याचं नाव काय दिसतं मला, कॉन्टॅक्ट दिसतो बघा। असं तुम्ही खूप सारं करू शकता, कार रेंटल का भी देख सकता, ठीक आहे। कॅपिटल लेटर मध्ये असतं सर ते टेक्स्ट? सॉरी सर, हे जे नाव आहे ते कॉपी पेस्ट करा, त्याला सोल्युशन नाही, जे आहे ते कॉपी करा, त्याला वेगळं कॅपिटल लेटर्स मध्ये मेंशन केलेलं असतं। अरे भावा मी काय म्हंटल, कळलं तुला? इथं काय नाव आहे, जसं आहे तसं लिहायचं। ओके ओके सर, ठीक आहे, ऑल सेट आहे। अभी इसका भी और देखते हैं, यूजर नेम पासवर्ड का भी देखते हैं क्या होता है। देखिए इसका भी इसके वैसे प्रॉपर्टी है ही नहीं, जो मैं अभी टेक्स्ट वाला दिख रहा है आपको, बराबर है? टेक्स्ट वाला अगर प्रॉपर्टी कैसे होता है, यहाँ पे देखिए इसका प्रॉपर्टी, टेक्स्ट वाला प्रॉपर्टी हमेशा ऐसा होता है, अगर ऑब्जर्व करोगे ना तो आपका यहाँ पे टैग नेम होता है जो भी है, इसकी कुछ तो वैल्यू होती है, जैसे कि इनपुट वगैरह जो भी है यहाँ पे वो वैल्यू होती है, इसके बाद स्लैश होके यहाँ पे आता है, जो इसका स्लैश होके इनपुट आता है, ये वाला फंडा होता है। तो इसके बीच में जो होता है दैट इज नथिंग योर टेक्स्ट। यहाँ पे भी देखिए ये यूजर नेम है, बराबर ना, ये वाला ये नाम लिखा उसका टेक्स आ गया, बराबर ना, समझ में आया? यस सर, यस सर, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, व्हाट वी नीड टू, वी नीड टू द कंटेंट्स वाला, ये वाला के ऊपर क्वेश्चन बहुत पूछते हैं। इसका टैग नेम सेम लॉजिक है, टैग नेम होता है स्क्वायर ब्रैकेट आता है, कंटेंट्स आता है, एड्रेस प्रॉपर्टी नेम आता है, यहाँ पे देखिए एक कॉमा होता है, क्यों? क्योंकि ये जो कंटेंट्स है दैट इज अ मेथड, इसको दो पैरामीटर लगते हैं, एक ये लगेगा और यहाँ पे इसकी वैल्यू रहती है, जो भी वैल्यू है, ऐसा होता है। तो ये कंटेंट्स क्या करता है, जैसे अभी बहुत से लोगों ने डेटाबेस का कोर्स किया होगा, राइट? किया है कि नहीं किया? किया है। तो वहां पे हम लोग याद है लाइक ऑपरेटर यूज करते हैं, पता है लाइक ऑपरेटर क्या करता है? मतलब राइट, आप जो भी लिखोगे और इसके बाद परसेंट होगे, इसका मतलब इसका स्टार्टिंग ये होना चाहिए, राइट? या फिर कभी कभार ऐसा होता है अगर आप दोनों जगह परसेंट देते हो और इसके बीच में कुछ तो वैल्यू होती है, इसका मतलब क्या होता है, ये होना चाहिए बीच में कहीं पे भी, ये होना चाहिए, मतलब कहीं ये होना चाहिए पूरा। तो कंटेंट वही फंडा है, ये वाला फंडा है, आपको उसके बीच में ये वाला होना चाहिए। जैसे कभी केस में एक लेते हैं किसी का, तो HR पे देखते हैं कि जो बड़ा हो,
ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे एच आर एफ दिखा, नहीं आज लास्ट एक्शन नहीं है सर, यहाँ पे हो अभी आप बताइए मुझे इसका कैसे करना है। तो मेरा टैग नेम क्या है, कोई मुझे बताएगा टैग नेम क्या है? राइट, लेबल स्लाइस लिखा, ए लिखा, टैग नेम लिखता हूँ। तो यहाँ पे मैं अभी कंटेंस करने वाला हूँ, कंटेंस राउंड ब्रैकेट होगा, जैसे मैंने बताया इट इज अ फंक्शन, तो कॉमा दीजिए, सिंगल कोट में लिखिए, तो यहाँ पे जो भी आप करोगे उसकी प्रॉपर्टी मिलेगी। इसका थोड़ा सा पार्ट आपको लेना है, पूरा पार्ट लेता, आप पूरा पार्ट लिया तो भी चलेगा, थोड़ा लिया तो भी चलेगा। आया क्या, 1/7 आ गया, अभी पंगा है, अभी प्रॉब्लमेटिक है, राइट। तो इसकी जगह भी हम लोग क्या करते हैं, ये वाला देखते नो कंटेंट वाला। तो यहाँ पे अभी जैसे मैंने बताया टेक्स्ट इज अ फंक्शन, तो एल्डरेट साइन उसको नहीं लगता, देखिए आया 1/1। अभी इसका ये वाला पार्ट निकाल देता हूं मैं, फिर भी 1/1 आया, इसका ये वाला भी पार्ट निकाल देते, देखिए फिर भी 1/1 आया, ये वाला भी निकालता हूँ, ये वाला यहाँ पे अभी प्रॉब्लम आ रहा है, देखो इसको दो मिल रहे, कहीं भी कहीं और पे दो मिल रहा हो, देखिए बराबर है। कॉन्टैक्ट मध्य देखिए CONT, यहाँ पे भी आए वहां पे भी आए, तो इस वजह से आपको कभी कभार यूनिक भी निकाल सकते हैं। सॉरी ती एचआरईएफ प्रॉपर्टी जेव्हा तुम्ही यूज केली ना तेव्हा ती एका एका टेक्स्ट साठी एकच लिंक अशी युनिक होती ना, म्हणजे राइट पे इथे काही पॅटर्न असेल वेगळा, त्यांनी काहीतरी वेगळं केलं असेल, इथे लिंक टाकलं तर नाही तुम्ही ऑब्झर्व करा एक्चुअली, मग त्यांनी सगळ्याला ते टाकलेलं बघा इथे, ओके ठीक आहे, ही चालली फक्त, ठीक आहे, डाउट क्लियर झाला सगळ्यांचा, कंटेंट कसं करायचं सगळ्यांना पटला, हे बहुत इम्पॉर्टंट आहे। इसमें सबसे ज्यादा यही यूज होता है, कंटेंट वाला ही पूछते हैं, मतलब इसके ऊपर काम करना होता है। एक्चुअली इसके ऊपर क्वेश्चन क्या आता है पता है क्या, हाउ विल यू यूज डायनामिक एक्सपाथ। डायनामिक एक्सपाथ पता है आपको क्या होता है, अगर आप ऑब्जर्व करोगे आपका सैलरी अगर क्रेडिट होता है या डेबिट होता है, आपको SMS आता है सबको, बराबर है, उसके yes. सबके कंटेंट सेम होता है। अगर मान लिया आपका SBI का अकाउंट है, देखिए मेरी बात सुनिए, SBI का अकाउंट है तो इसमें सब में एक ही मैसेज आता है प्रॉपरली, बराबर कि नहीं, बस चेंज क्या होता है कोई मुझे बताएगा, चेंज क्या होता है, अकाउंट नंबर चेंज होता है yes. और आपने कितने पैसे डेबिट हुए वो क्रेडिट हुए वो वाला जो भी 8,000 10,000 yes. जो भी है, बाकी सेम सबका कंटेंट एक ही होता है। अगर मुझे इसका एक्सपायर निकाला तो मैं क्या करूंगा बताइए, कौन सा वाला कंसीडर करूंगा, अकाउंट नंबर, अकाउंट जो फिक्स है, जो फिक्स है वो वाला मैं कंसीडर करूंगा, राइट, जो चेंज नहीं हो रहा उसके बेसिस पे मैं करूंगा, इसे बोलते डायनेमिक। डायनेमिक यानी क्या होता है, जो चेंज होते रहता है उसका एक्सपायर कैसे निकालोगे, उस केस में कैसे करोगे, यूजिंग कंटेंट्स, कंटेंट्स मेथड, कंटेंट्स मेथड इन द एक्सपायर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बराबर है, अभी किसी को डाउट है क्या बताइए मुझे सर, जो चेंज होता है वो लेने का नहीं, जो फिक्स है वो लेने का, क्योंकि एक्सपायर निकालने के लिए आपको कुछ ना कुछ चीजें चाहिए होती है, राइट, डायनामिक चेंज होते रहता है, राइट, डायनामिक में भी आपको एक पैटर्न ढूंढना होता है कि इसमें से कौन सा ये डायनामिक क्या होता है, चेंज होता है कि जो चेंज नहीं होता, देखिए डायनामिक क्या है, जो चेंज होते रहते हैं, जैसे कि माय अकाउंट नंबर इज 1234 5, अगर आपको इसका एक्सपायर निकालना है, एक्सपायर निकालने के लिए आपको कुछ तो वैल्यू फिक्स चाहिए कि नहीं, तो आप कैसे करोगे फिर, कितने वाले लोग है, राइट, क्योंकि ये कॉन्स्टेंट है, ये चेंज होता है उसको हम लोग छोड़ देंगे, क्योंकि ये वेरी होने वाला है सर, वेरी तो अकाउंट नंबर चेंज होता है, सॉरी अकाउंट नंबर तो चेंज होता है ना, राइट, पर हमें वो नहीं चाहिए ना सर जी, मैं बता रहा हूँ आपको, हाँ
अगर आपको किसी चीज पे, अरे एक बात बताया तो, अगर मैंने तेरे का एक मूविंग ऑब्जेक्ट दिया और एक स्टेबल ऑब्जेक्ट दिया और मैंने बोला कि तुझे इसके ऊपर निशान लगाना है, नाउ टेल मी आप किसके ऊपर निशान इजीली लगा सकते हो? स्टेबल तो यही करना है आपको, डायनामिक यानी वो चेंज होते रहेगा, लेकिन आप उसमें से क्या ढूंढोगे? स्टेबल कंटेंट ढूंढोगे ना, ताकि उसके ऊपर ऑपरेशन कर सके, राइट? बराबर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और किसी को डाउट क्या बताया अभी इसके साथ? सर मोस्टली सगळे ठिकाणी यतनेच काम होऊन जातं असेल ना, हो हेनेच काम होतं, काम पण असेल तर इसके बाद होता एक्सपाथ एक्सेस होते, इंटरव्यू में पूछते व्हाट आर क्वेश्चन ही लिखते जाते, व्हाट आर एक्सपाथ एक्सेस, इसका आंसर है पेरेंट, सेकंड थिंग चाइल्ड, थर्ड थिंग फॉलोइंग, ऐसे बहुत सारे है, फोर्थ है प्रीसीडिंग, फिफ्थ है फॉलोइंग सिबलिंग, सिक्स है प्रीसीडिंग सिबलिंग, सेवंथ है, ऐसे बहुत सारे, इतने रखता रखा तभी चलेगा। किसी को भी डाउट है कि इसके साथ? अभी इसका मतलब क्या होता है दिखाता हूँ। कभी कभार ऐसा होता है, अगर आपको मान लीजिएगा कभी भी देखिए, आपको कंस्ट्रक्शन का लाइन का कुछ पता है क्या? अगर आप जब कंस्ट्रक्शन लाइन होता है तो बिल्डर है ना, एक ये करते हैं गुन्या महोत्सव में, तुम्हारा गुन्या में का प्रकार सेंटर लाइन में सजाना, सेंटर लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होता है उस, अगर वो सही रहा तभी आपका बिल्डिंग का स्ट्रक्चर और बेस लाइन सब सेम हो जाएगा, अगर वो गलत हुआ तो आपकी बिल्डिंग टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी, राइट? तो कभी कभार ऐसा होता है आपको डायरेक्टली उसका एक्सेस नहीं मिलता, तो आप क्या करोगे? किसी का तो रेफरेंस पॉइंट लोगे, उससे आगे या पीछे जाओगे। समझ में आ रहा मैं क्या बोलना चाहता हूँ? जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी मैं आपको एक साइट दिखाता हूँ, अमेजोन की साइट दिखाता हूँ, अमेजोन डॉट इन कर दो थोड़ा, ये ठीक है। मुझे क्या करना है, ये जो फैशन है इसका एक्सपाथ निकालना है। देखिएगा फैशन का एक्सपाथ निकालना है तो मुझे कुछ ना कुछ डायरेक्टली कुछ यूनिक प्रॉपर्टी मिलती कि वो देखना है, अगर नहीं मिलती तो हमें क्या करना पड़ता? देखिए यहाँ पे इतने सारे एक्सपाथ हैं, ओके। तो अभी मैं क्या करूंगा, अभी यहाँ पे ए जो यहाँ पे दिख रहा आपको, मैं डायरेक्टली यहां से आऊंगा, ये वाला मतलब टॉप से बॉटम तक जाऊं, ऐसे भी कर सकता हूँ। ये थोड़ा डिफिकल्ट है इसलिए मैं ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा इसके बारे में, जब आप थोड़ा एक्सपर्ट हो जाएगा ना तो खुद ब खुद कुछ चीजें आपको पता चलेगी, ठीक है। यहाँ पे वन अपॉन दिखा, अभी मुझे क्या करना है, उसके नीचे जाना है, यहाँ तक दिख रहा है आपको, तो अब नीचे जाना है, तो ये भी एक एक्सपाथ हो गया, राइट? अभी इसके आगे बढ़ना है, यू कैन डू। जैसे मैं ड्यू करता हूँ तो इसके कितने बच्चे हैं? 21 बच्चे, किसके? इसके 1 2 3 ऐसे काउंट करोगे तो बराबर आ जाता है। तो भी मुझे इसमें से भी एक यूनिक चाहिए, तो सेम लॉजिक से हम लोग करेंगे। ये मेरा देखिए यहाँ से भी एक अलग सा एक्सपाथ हो जाएगा, मतलब एक्सपाथ को भी एक्सपाथ ज्वाइन कर सकते हो। आ गए और नीचे आ गए, अभी मैं डबल स्लैश करता हूँ, ए लिखता हूँ। नाउ टेल मी इसको, इसके बाद कितने लिंक है बताइए? 30 लिंक है, 30। देखिए अभी मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे दिख रहा है आपको, देखिए चेंज हो रहा है ऊपर का, यहाँ पे देखिए 2 days डील वगैरह, राइट? बराबर है, चेंज हो रहा है। आप इसके हिसाब से जो भी चाहिए वो कर सकते हैं, राइट? अभी मुझे क्या करना है, अभी आपको यहाँ पे ये ट्रायंगल दिख रहा है, छोटा सा ट्रायंगल दिख रहा है क्या? मुझे इसका एक्सपाथ चाहिए, राइट? तो मैं क्या करूंगा, देखिए अभी ये जो प्राइम और ये, अगर आप देख रहे हैं इस दोनों भी एक ही लाइन पे हैं, इसका मतलब क्या होता है कोई मुझे बताएगा? मतलब उन दोनों का भी पेरेंट एक ही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर आप फैमिली ट्री बनाते हो, यहाँ पे आपके मॉम डैड आएंगे, यहाँ पे आप आओगे और यहाँ पे आपकी सिस्टर आएंगी, अगर ऑब्जर्व करोगे ये दोनों भी सेम ही नोड पे कनेक्ट हो रहे हैं,
बराबर। यहाँ पे भी वही देखना, देखिए ये स्पैन और ये स्पैन दोनों में एक ही नोड पे करंट है, सब लोग एग्री उस पॉइंट पे। यस। तो मुझे क्या करना है, मान लीजिए मुझे ये जो ओवर है, ये जो मैं दिखा रहा हूं आपको, ये आपका, मुझे इसके ऊपर क्लिक करवाना है, तो हम लोग उसके लिए ट्राई करते हैं। तो देखता हूँ मैं ये वाला स्पैन, देखता हूँ क्या कर सकता हूँ इसको। मैं डबल स्लैश प्राइम लिखा, डबल स्लैश स्पैन लिखा एट द रेट, सॉरी टेक्स्ट था, ये टेक्स्ट फंक्शन लेना मुझे क्योंकि ये टेक्स्ट है। आया क्या प्राइम, देखिए प्राइम आ गए। नाउ टेल मी, ये इसका कजिन ही है। अभी ये नीचे है ऊपर है बताइए, इससे नीचे है, नीचे ना है, मतलब आपको जिसका ढूंढना है वो नीचे है इससे ना। तो क्या बोलो, मैं बोलोगे अभी इसमें दो ऑप्शन, एक तो फॉलोइंग आता है, एक तो प्रीसीडिंग आता है। नाउ टेल मी, प्रीसीडिंग यानी पीछे वाले, फॉलोइंग वाले मतलब इसके नीचे वाले, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फॉलोइंग करना पड़ेगा, फॉलोइंग बराबर है। और ये इसका भाई ही है, बड़ा, ये क्या है उसका भाई है, तो सिबलिंग है ना ये। और इसका सिंटेक्स ऐसा होता है, इसका नाम क्या है, स्पैन। देखिए आ गए, क्योंकि अगर आप ऑब्जर्व करोगे ना, आप डायरेक्टली इसका एक्सपात निकाल सकते हो, बताइए मुझे पॉसिबल है का? इसमें से कोई प्रॉपर्टी है ही नहीं, अगर मैं क्लास भी लेता हूँ ना, शायद आपको इससे बहुत सारे क्लास मिलेंगे इस प्रॉपर्टी के, समझ में। Yes, sir. इंटरव्यू में ये वाला पैटर्न पूछते हैं, देखिए यहाँ पे ये डबल कोलन होना बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत लोग सिंगल कोलन देते हैं और बोलते मेरा नहीं आ रहा, यहाँ पे डबल स्लैश देना ये फॉर्मूला ही है। सेम लॉजिक अगर आप लगाओगे, प्रीसीडिंग करना है, बस यहाँ पे फॉलोइंग की जगह प्रीसीडिंग कर दीजिए, ठीक है। जैसे अभी मुझे ये पैरेंट है, ये प्राइम है, मुझे इसके ऊपर जाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पैरेंट लगाना पड़ेगा, डबल कोलन, इसका टैग नेम क्या, ए, देखिए इसका पैरेंट आ गया ना, मैं यहाँ पे था, इससे एक चीज ऊपर गया, दैट इज ऑल्सो बे, ठीक है। किसी को भी डाउट है इस केस में, मैं अगर आपको इसका प्रैक्टिस करवाना है तो एक व्हाट आई विल डू, अभी मैं यहाँ पे आपको लिंक दे देता हूँ, आप ये वाला लिंक से ट्राई कीजिए उसके ऊपर, जिसको इसका एक बात निकालना था ना, अमेजन का या फ्लिपकार्ट का कॉम्प्लेक्स वाला, उसको मान लीजिए सब आ जाएगा। और ऑटोमेशन में सबसे चैलेंजिंग तीन ही चीजें होती है, उसमें से एक साथ होता है, अगर आप थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो आप हैंडी हो जाएंगे, ठीक है। किसी को भी डाउट इस केस में, लास्ट रिपीट करना है, पता मैं यहाँ पे था, प्राइम में था, बराबर, मुझे इसका पेरेंट कौन है, एंकर टैग है, इसलिए मैं डबल स्लैश पेरेंट लिखा, और उसके वैल्यू, ये सिंटैक्स है, यहाँ पे टैग नेम होता है, ये क्या होता है, टैग नेम होता है, ऐसा होता है, उसका टैग नेम क्या था, ए था, इसलिए ए लिखा, ठीक है, समझ में। तो पैरेंट टैग कैसे मुझे ठहराओ, बघा ना, हाँ प्राइम है ना, हाँ प्राइम से बघा ना, अब वर्ती है, एक तिरका तिरका आता ना, आपने ये देखा होगा, प्राइम से वर्ड फाइल में, दो मिनट बताता हूँ आपको, वर्ड फाइल में पता है इसके बारे में कुछ चीजें, दिखाता मैं आपको, ये पैरेंट चाइल्ड कैसे, ये वाला दिख रहा है आपको, ये वाला पैटर्न, समझ में आ रहा मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो नाउ टेल मी, इस टू का पैरेंट कौन है, ये वन पैरेंट है, इसका कौन पैरेंट है, ये पैरेंट, ऐसा पैटर्न है, समझ में मैडम अभी। Yes, sir. ये लिखा मैंने, यहाँ पे टू लिखा, यहाँ पे थ्री लिखा, अभी इसके अंदर मुझे जाना है, तो मैं यहाँ पे टैग करूंगा, यहाँ पे ये लिखूंगा, ठीक है, इवन हुआ, टू हुआ, थ्री हुआ, अभी मुझे इसके भी अंदर जाना है, तो मैं टैग करूंगा और यहाँ पे कुछ तो और लिखूंगा, राइट, यहाँ पे कुछ तो लिखता, इसी वे से आपको जाना होता है। अगर मुझे इसका निकालना है, इसका पैरेंट कौन है बताइए, क्यू डब्ल्यू, इसका पैरेंट इस यहाँ पे जो नाम होगा वो, यहाँ पे वो लॉजिक है। अभी ये और ये दोनों सेम लाइन पे थे, एक दूसरे भाई बहन ही,
मतलब ये जो है इसका फॉलोइंग सिबलिंग है, इसीलिए थोड़ी देर पहले मैंने लिखा था ये इसका ये फॉलोइंग सिबलिंग है, ऐसे आपको निकालना होता है। सर ये सर्व प्राइम से चल रहा है ना? काय हो असं तुम्ही सगळ्याचे काढू शकत नाही असं काय नाही। नाही सर मग ते आपण चाइल्ड क्लास जरी चाइल्ड जरी हे केलं तर वेबसाईट तर ती प्राइम वालीच फेच होणार ना, या तिघींपैकी कोणते केले तर पॅरेंट नाही तर चाइल्ड पैकी। मग समज मी आपल्या बोलून म्हणजे सर चाइल्डचा आपण काढतो काय आपण म्हणजे पॅरेंटचा एकट्याच्याने एक्सपातने ऐकणार साहेब मी काय म्हणतोय माझा क्वेश्चन हा आहे की प्रत्येक वेळेस तुम्हाला जेवढा सोपा वाटतो तेवढा सोपा नाही भेटत राईट, थोडं कॉम्प्लेक्सिटी पण असते, मग तुम्हाला त्या पण गेम खेळला पाहिजे ना त्या लेवलच्या। प्रत्येक वेळी पेज सेम नसतं, पेज स्ट्रक्चर सेम नसतं राईट, डेव्हलपर कसा त्यावरती डिपेंड असतो मान्य। त्याच्यामुळे तुम्हाला अनालाइज करून करावं ह्या एक्सपिरियन्स गोष्टी वाढतात असं डायरेक्ट वाढत नाही। ठीक आहे आज के लिए बस करते, 9 बज गए। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए, मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप।